नमस्कार, आज मैदे के काजू बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। काजू बनाने के लिए आटा लिया है गेहूं का मैंने 1 कप, मैदा लिया है आधा कप, घी लिया है 50 ग्राम, अजवाइन मैंने ली है चुटकी भर, काली मिर्च पाउडर ये भी चुटकी भर, बेकिंग पाउडर चुटकी भर और नमक टेस्ट के हिसाब से या आधा चम्मच का आधा 1/4 लेंगे। और डीप फ्राई करना है तो तेल मैंने लिया है कढ़ाई के अंदर ही ले लिया है मैंने, तो चलिए शुरू करते हैं। एक परात या बॉल ले लें, सबसे पहले उसमें डालेंगे आटा। आटे को हमेशा छान के लें, ये मैदा, बेकिंग पाउडर, नमक टेस्ट के हिसाब से, काली मिर्च पाउडर, अजवाइन और ये घी इसके अंदर। सबसे पहले अच्छे से मिक्स करें। और इसके बाद में इसका डो तैयार करना है हमें, तो ठंडा पानी डालेंगे इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके, ठंडे पानी से डो बनाएं। ठंडा पानी लेकिन बर्फ का पानी नहीं चाहिए, रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ पानी आप यूज करें इसमें। और एक सख्त डो इसका हम तैयार करेंगे। ये आटा हमारा तैयार हो गया है। ये जो हम रोटी बनाते हैं उसके लिए जो डो तैयार करते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, ये देखिए आपको पता चल जाएगा। और अब इसको रख देंगे कपड़े से ढक से कम 15 मिनट तक। 15 मिनट रेस्ट देने के बाद सबसे पहले पेड़े बनाएंगे इसके। एक मीडियम आकार का पेड़ा बना लें और बिना घी या बिना तेल के और बिना आटे के इसको बेल लेंगे। किसी भी चीज की इसमें जरूरत नहीं है, आराम से बेला जाएगा ये। इसको अच्छे से फैला लें रोटी के जैसा इसको बनाएं। और गोल रोटी के जैसा बनाने के बाद में इसकी स्ट्रिप हम काट लेंगे इस तरीके से, बहुत ज़्यादा पतली नहीं करनी है। और कोई भी शीशी का ढक्कन इस तरह से ले लें आप और किसी भी किनारे पे रखें, इसको आप हटा दें और जो ये गोल हिस्सा बन गया है थोड़ा सा इससे ऊपर रखें, ये देखिए इसको हटा देंगे। कोई भी प्लेट आप ले लें उसमें निकाल लें, एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत है लेकिन खाने में बहुत स्वाद लगते हैं। इस तरीके से काटते जाएं और रखते जाएं प्लेट में, इसी तरीके से सारे हम काट लेंगे। ये देखिए कुछ मैंने तैयार कर लिए हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, तेल में डाल देंगे और साइड से डालें हमेशा, एक चाकू या चम्मच से आप डालें लेकिन धीरे धीरे, और गैस को कम कर लें जब भी आप डालें। आराम से इनको डालें ताकि छींटे ना लगे, और ये एक बारी में काफ़ी इसमें आ जाते हैं तो जल्दी बन जाएंगे। और मीडियम हीट पे इसको पकाना है, अगर तेज आंच पे हम इसको पकाएंगे तो अंदर से कई बार कच्चे रह जाते हैं ये। इस तरीके से पलट पलट के इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन इनका कलर होना चाहिए, इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। लीजिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, किसी प्लेट के ऊपर कोई अखबार बिछा लें या पेपर नैपकिन बिछा लें और तब निकालें ताकि इसका एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो निकल जाए। ये देखिए देखने में इतने अच्छे लग रहे हैं, एकदम असली काजू के जैसे लग रहे हैं ये। इसी तरह से हम सारे बना लेंगे। ये लीजिए काजू हमारे तैयार हैं। इसको ठंडा करके आप डिब्बे में डाल सकते हैं और काफ़ी दिन तक खा सकते हैं, या बच्चों के टिफिन में भी आप इसको दे सकते हैं। किसी भी बॉल में डाल दें
इसको बच्चों के आगे रखिए, मेहमानों को दीजिए। काजू हमारे तैयार हैं, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला आप डाल सकते हैं।